लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज होने वाला है। ऐसे में साल की शुरुआत होते ही राजनीतिक पार्टियों ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। चाहे सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी हो या विपक्षी, सभी आने वाले चुनावों को लेकर चिंता में हैं। जैसा कि बीते कुछ सालों से विपक्ष का दबदबा लगभग खत्म होता जा रहा है, ऐसे हालात में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की अपना अस्तित्व बचाने की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है। अपनी खोई हुई ताकत को वापस लाने के लिए कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी और इस साल भारत जोड़ो न्याय यात्रा से साल की शुरुआत की। अब बात करें चुनावों पर चल रही पार्टियों की रणनीति को लेकर, तो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की ओर से 4 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा करने के बाद कांग्रेस भी अपने 3 उम्मीदवारों को लेकर माथापच्ची में जुट चुकी है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने 3 सीटों के लिए कुछ नाम स्क्रीनिंग कमेटी को भेजे हैं। चलिए बताते हैं आपको किस सीट से किस नेता का नाम सुर्खियों में आ रहा है। नॉर्थ ईस्ट से लवली, नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट से सबसे बड़ा नाम प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली का आ रहा है। स्क्रीनिंग कमेटी को भेजी गई लिस्ट में लवली के अलावा संदीप दीक्षित, मतीन अहमद और चौधरी अनिल कुमार का नाम भी शामिल है। बता दें कि इस इलाके में सबसे ज्यादा ओबीसी वोटर हैं और उसके बाद मुस्लिम। वेस्ट से उदित राज, नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट के लिए उदित राज का नाम सुर्खियों में आया है। वो इस रिजर्व सीट से एक बार सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा स्क्रीनिंग कमेटी को भेजे गए नामों में कृष्णा तीरथ और राजकुमार चौहान का नाम भी शामिल है। हालांकि सीट से पिछली बार राजेश लिलोठिया उम्मीदवार थे। बता दें कि उन्हें सिर्फ 16.88% वोट मिले थे, वो तीसरे नंबर पर रहे। चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल, उधर चांदनी चौक से पूर्व सांसद जेपी अग्रवाल का नाम आया है। वो यहां से एक बार सांसद रह चुके हैं और पिछली बार भी जेपी ने यहां से चुनाव लड़ा था। चांदनी चौक विधानसभा सीट से एक बार विधायक रह चुकी अलका लांबा की भी दावेदारी मजबूत बताई जा रही है। वहीं स्क्रीनिंग कमेटी को भेजे गए नामों में इन दोनों के अलावा हरिशंकर गुप्ता और मंगत राम सिंघल का नाम शामिल है। वहीं सूत्रों की माने तो संदीप चांदनी चौक से भी अपनी उम्मीदवारी ठोक रहे हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि अभी कोई भी नाम फाइनल नहीं हुआ है। तो ये हैं उन उम्मीदवारों के नाम जो इस जगह से चुनाव लड़ सकते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस अपने पुराने नामी चेहरों पर दाव लगाएगी या नए चेहरे को लेकर मैदान में उतरेगी। नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के लिए मरियम अली की रिपोर्ट।